मेरे मन में एक पुरानी बात आई, 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी, अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी, उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया, उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था, इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है, उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया, क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए
कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने की डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है, क्या देख नहीं रही है, क्या हो रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। किसकी संपत्ति है ये? राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है, ये पीएसयू किसके हैं, किसके लिए बनाए गए, आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं, जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 200 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं, ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तेहार तो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले, क्या पैगाम लेके चला, किस लिए चला, उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी,
आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है?